brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी को समाप्त किया जा सकता है तो 10 साल के इस अन्याय काल को क्यों नहीं समाप्त किया जा सकता है? न्याय पत्र के बारे में कि ये कोई हवा हवाई वादे नहीं है, ये कोई जुमला नहीं है, जो कॉन्क्रीटली किया जा सकता है हमने वही बात जो है लिखी है। क्या हाथ बदलेगा हालात? आज कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और तमाम न्याय की गारंटी दी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और एनएसयूआई इंचार्ज कन्हैया कुमार है, आइए उनसे पूछते हैं। कन्हैया जी, आपका मैनिफेस्टो है, इसमें तमाम सामाजिक न्याय से लेकर तमाम न्याय की बात की गई है, 5 बड़े टेकअवेज क्या लगते हैं आपको जो गेम चेंजर साबित होंगे? देखिये, सबसे पहली बात तो इस बार का कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको न्याय पत्र का नाम दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनने जा रहा है। और उन्होंने यह बात याद दिलाई कि जब पहली बार नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र लिखा था 1951 में, तो उसका नाम रखा था कि व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। तो इस न्याय पत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसमें कोई हवा हवाई वादे नहीं कर रहे हैं। देश के हजारों लाखों आम नागरिकों से संपर्क करने के बाद, बुद्धिजीवियों से संपर्क करने के बाद और देश की जो आर्थिक हालत है उसको ध्यान में रखते हुए एक ठोस कार्यक्रम जो है इस न्याय पत्र में दिया गया है। और राहुल, दर्शकों को बताऊं कि सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे सर, आप पहला पन्ना पलट लें क्योंकि न्याय पत्र की आप बात करें और कन्हैया कुमार खुद ही समझाएंगे अपने पार्टी का मैनिफेस्टो। अगर पहला पन्ना देखें तो दर्शकों को दिखा सकते हैं, इस तरह से सकते हैं, आप दिखाइए इसमें पूरा कंटेंट देखेंगे तो हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय और पर्यावरण न्याय, मतलब एक भारतीय नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ जितना भी पहलू है हर पहलू को इस न्याय पत्र में शामिल किया गया है। और खास करके जो आम लोग सबसे ज्यादा जिन चीजों से जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक असमानता हो या युवाओं को जिस तरह से रोजगार नहीं मिल रहा है या महिलाओं को जिस तरह से जो है भागीदारी नहीं मिल रही है, समाज के जो शोषित पीड़ित गरीब लोग हैं वो जिस तरीके से आज आर्थिक और सामाजिक संकट को झेल रहे हैं, सभी समस्याओं का जो है निराकरण सिर्फ वादे नहीं, समस्याओं का उल्लेख और उन समस्याओं का निराकरण समाधान इस न्याय पत्र में सुझाया गया है। और एक खास बात जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं अपने न्याय पत्र के बारे में कि ये कोई हवा हवाई वादे नहीं है, ये कोई जुमला नहीं है, जो कॉन्क्रीटली किया जा सकता है हमने वही बात जो है लिखी है। और आज हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि ये आवाज है इस देश की, हमने सिर्फ इसको लिखा है। इस देश में चाहे नौजवान हो, विद्यार्थी हो, महिला हो, किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो या गरीब जनरल कैटेगरी से आने वाले लोग हों, तमाम लोगों के जीवन की जो आम समस्याएं हैं उसको, उन पहलुओं को उल्लेखित किया गया है, उसका समाधान सुझाया गया है। जैसे बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है तो युवाओं को पहली नौकरी पक्की, मतलब हाँ, युवा न्याय के अंतर्गत जो है पहली नौकरी पक्की की गारंटी की गई है कि कोई भी नौजवान जो है उसको अप्रेंटिस का अधिकार मिलेगा, अपना जो है स्किल प्राप्त करते ही जो है उसको रोजगार की गारंटी की गई है। अगर आप महिलाओं की बात करेंगे तो परिवार की एक महिला को 1,00,000 रुपया जो है आमदनी देने की बात की गई है। अगर किसानों की आप बात करेंगे तो फसल का दाम जो है उसको उचित मूल्य पे मिले, उनका जो है जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं उसके आधार पे जो है उनको न्याय देने की बात करेंगे। अगर आप मजदूरों की बात करेंगे, श्रमिकों की बात करेंगे तो दैनिक मजदूरी जो है कम से कम न्यूनतम 400 रुपया देने की बात की गई है। इसी तरह से समाज के हर पहलू में, जैसे आज देश में जिस तरह का संवैधानिक संकट है उसको भी उल्लेखित किया गया है, देश की विदेश नीति, संवैधानिक न्याय क्या है, संवैधानिक न्याय के अंतर्गत जो इस देश के भीतर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं उसका जो है उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। जो बार बार हर रैली में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज इस देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला है, तो जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, हर किसी के जो है न्याय को सुनिश्चित करने की बात जो है संवैधानिक न्याय के तहत किया गया है। एक सेक्शन है राज्य के न्याय का, अक्सर आप सुनते होंगे कि जो गैर कांग्रेसी जो
स्टेट हैं जहां पे भाजपा रूल नहीं कर रही है, जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं, बार बार जो है हाँ वो आरोप लगाते हैं कि जीएसटी का जो उनका हिस्सा है वो जीएसटी का हिस्सा उनको नहीं मिल रहा है। तो इस देश का जो संघीय ढांचा है उसको हमको बना करके रखना है। किसी भी क्षेत्र के लोगों को ये नहीं लगना चाहिए, पूरब के लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि पश्चिम को ज्यादा मिल रहा है हमको कम मिल रहा है, पश्चिम को ये नहीं लगना चाहिए कि पूरब को ज्यादा मिल रहा है, उत्तर को ज्यादा मिल रहा है या दक्षिण को ज्यादा मिल रहा है। तो जो संघीय ढांचा है उसको बचाने की बात की गई है। रक्षा न्याय के तहत जो है जो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं, जो जो अग्नि अग्निवर्ग का जो सवाल है उसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। और अगर आप मजदूरों के अग्निवीर स्क्रैप करेंगे आप लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसकी चर्चा जो है रक्षा न्याय के तहत किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये इस देश के लोगों की जो न्याय की आकांक्षा है उस आकांक्षा को पूरा करने वाला बनेगी, तो इस न्याय को हम लागू करेंगे। और न्याय की जो संकल्पना है वो इस संविधान की मूलभूत संकल्पना है। आप जब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अगर जोर किसी चीज पे दिया गया है तो वो न्याय और बराबरी पे दिया गया है, एकता और अखंडता पे दिया गया है। तो इन्हीं स्पिरिट को, इन्हीं भावनाओं को जो है इस न्याय पत्र में जो है वो शामिल किया गया है, इसका उल्लेख इसके अंतर्गत। मेरा एक सार में सवाल है, क्योंकि चिदम्बरम साहब ने भी जिक्र किया, क्यों ऐसा लग रहा है कि 2019 का मैनिफेस्टो का थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट है। चिदम्बरम साहब ने भी जिक्र किया था कि 2019 में भी हमने बताया था कि नौकरियां जाएंगी, ये सामाजिक अन्याय होगा, और अब हमने उसको और मजबूती से रखा है। तो क्या आप लोग, क्योंकि वो सफल नहीं हो पाया था, 2019 में मोदी सरकार वापस आ गई थी, जनता ने आपके मैनिफेस्टो को रिजेक्ट किया। अच्छा एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि ये न्याय का पत्र है, तो न्याय पत्र अगर सफल नहीं होगा तो इसका कॉन्ट्रेरी क्या है, मतलब अन्याय जीतेगा। मैं इस देश की संस्कृति और इतिहास को उठा करके आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कभी भी अंधेरा जो है वो सुबह होने को नहीं रोक सकता है। 10 साल से जो बातें हम कह रहे थे, इस सरकार के आने के चलते जो समस्याएं आम लोगों को झेलनी पड़ी है, जिसका सामना करना पड़ा है उनको, उन समस्याओं का निराकरण सॉल्यूशन जो है इस न्याय पत्र में दिया गया है। और हम देश की जनता से कह रहे हैं कि ये आपकी आवाज है, आपने इसको बनाया है, इसको आप ही को जिताना है, और जो सरकार बन करके आएगी उस सरकार से आपको ही इसको लागू करवाना है। तो मुझे लगता है कि जनता जब अपनी आवाज को, अपनी जरूरत को समझती है, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी को समाप्त किया जा सकता है, तो 10 साल के इस अन्याय काल को क्यों नहीं समाप्त किया जा सकता है। मेरा मानना है कि न सिर्फ जो है ये न्याय पत्र सफल होगा, बल्कि न्याय की जो आकांक्षा है, जो उम्मीद है इस देश की जनता का, वो भी जीतेगी, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा भरोसा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कन्हैया जी, यहाँ पे मैनिफेस्टो को पॉइंट बाय पॉइंट डिकोड करते हुए आपके लिए कैमरा पर्सन सत्या के साथ मौसमी सिंह।